दोस्तों अगर आप 2009 में कुछ बिटकॉइंस खरीदे होते ना तो आज आप मिलियनेयर होते, करोड़पति होते। अभी एक बिटकॉइन की कीमत है इंडिया में 38,24,127 रुपये 35 पैसे। वाला हबीबी, अगर हम भी बिटकॉइन खरीदी होती तो तू जानती हम अरबपति से भी खरबपति हो जाती। वैसे हमारे पास दुबई में बहुत पैसा होती, तू आती? वाला हबीबी, कम टू दुबई। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जीरो नॉलेज है, यानी कुछ भी पता नहीं है, तो बिल्कुल सही जगह पे आए आप, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आप सभी लोग समझ पाए। ए टू जेड इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक जमाना था जब कोई भी करेंसी नहीं हुआ करती थी, जैसे अभी हम लोग पैसे देते हैं और सामान खरीद लेते हैं। लेकिन उस टाइम क्या, जब पैसे होते ही नहीं थे, पैसे प्रिंट ही नहीं होते थे, यानी छपते ही नहीं थे, तो उस टाइम क्या होता था कि सामान का अदला बदली हुआ करता था। जैसे एक सामान दिए और दूसरा सामान ले लिए, यानी सामान के बदले सामान मिलता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद नोटों और सिक्कों का सिलसिला शुरू हो गया, और जैसा कि अभी हम लोग इस्तेमाल में ले रहे हैं। वीडियो की भावनाओं में खोने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो नेक्स्ट टाइम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस हो जाएगी, फिर अफसोस करते रह जाएंगे आप, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें अभी का फायदा है। चलिए अब हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। देखिए क्रिप्टो करेंसी जो है वो बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है जो कि क्रिप्टोग्राफी से बना है, जिसका मतलब होता है हिडन, यानी छुपा हुआ, या फिर आप यूँ कह लें कि छुपी हुई। जैसे हम इंडियन करेंसी इस्तेमाल में लेते हैं और कहते हैं ना कि भाई तूने मुझसे पैसे लिए अभी तक दिए नहीं, तो ये जो पैसा है, जो करेंसी है, वो करंटिया से आया है। हम लोग जो करेंसी वर्ड यूज़ करते हैं वो करंटिया से आया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, और करेंसी का मतलब पैसा, यानी छुपा हुआ पैसा, यानी गुप्त पैसा। देखिए क्रिप्टो करेंसी जो है, जो एक तरह का डिजिटल पैसा है, जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूं। ये देखिए, ये 500 का नोट हो गया और ये $1 हो गया, तो ये मेरे हाथ में है, हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि ये मेरे हाथ में है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, जैसे ये मेरे हाथ में है वैसे नहीं ले सकते हैं। जैसे इस पैसे को हम पॉकेट में डालकर मार्केट में लेके घूम सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को हम जेब में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो डिजिटल करेंसी है, उसे हम ऑनलाइन डिजिटल वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि वह पूरी तरह ऑनलाइन होता है। चलिए इसे अब हम और आसान भाषा में समझते हैं। जैसे हर एक देश की अपनी अपनी मुद्रा होती है, यानी अपनी अपनी करेंसी होती है, जैसे भारत का रुपया हो गया, UAE का दिरहम हुआ, अमेरिका का डॉलर हुआ, और इंग्लैंड का पाउंड हुआ, यानी हर देश की अपनी अपनी करेंसी है। तो जो करेंसी है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, यानी हर अलग अलग देश की करेंसी है तो उसकी वैल्यू भी अलग अलग होगी। जैसे अभी मैंने डॉलर का एग्जांपल दिया था, तो अमेरिका का $1 इंडिया में उसकी वैल्यू 75 रुपये के आसपास है। अब देखिए इंडिया में जो रुपया चलता है उसको किसने बनाया, जवाब आपको पता ही होगा, RBI ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। लेकिन सवाल ये है कि क्रिप्टो करेंसी को किसने बनाया, आखिर कौन है वो शख्स। क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार 2008 में एक अननोन पर्सन द्वारा किया गया था, जिसका नाम है सातोशी नाकामोतो। इसकी शुरुआत 3 जनवरी 2009 को ही थी। वैसे अगर देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए काफी पावरफुल कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, काफी पावरफुल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। जैसे इंडियन करेंसी में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक वैसे ही 10 करोड़ सातोशी मिलकर एक बिटकॉइन बनता है। बिटकॉइन की सबसे छोटी वाली इकाई को सातोशी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें हर एक ट्रांजैक्शन का, यानी लेन देन का, डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर हम बात करें डेटा की, तो क्रिप्टोग्राफी की मदद से उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। ओवरऑल इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ब्लॉकचेन जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है। अब जरा गौर से समझे, ब्लॉकचेन में कई सारे ब्लॉक्स होते हैं और वो सारे ब्लॉक्स आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो ऐसे में ये ब्लॉकचेन बन गया। पर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर उस ब्लॉक में होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि उस ब्लॉक में डेटा, हैश और पिछले वाले ब्लॉक्स का हैश होता है।
नहीं समझ में आया ना, मैं आपको और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ब्लॉक्स जो हैं उस ब्लॉक में डेटा यानी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, जो आप बिटकॉइन खरीद बिक्री करते हैं उसकी जानकारी होती है। उसके बाद नंबर आता है हैश का। अब ये हैश क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि हैश को आप बायोमेट्रिक की तरह समझ सकते हैं, जो हर किसी के लिए यूनिक होता है। जैसे आप पूरी दुनिया में सबसे यूनिक हैं, आपका फेस मैच कर जाएगा लेकिन 100% मैच कभी नहीं करेगा, और ये आपका थंब तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज यू आर यूनिक। अब देखिए ब्लॉकचेन को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे एक दुकान है तो उस दुकान पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कि भाई कौन सा सामान आया, कौन सा सामान गया, किसके पास गया और कहाँ गया। तो उन सारे रिकॉर्ड्स की किताब को एक लेजर यानी बही खाता कहते हैं। तो ब्लॉकचेन जो है वही बही खाता है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, और उसका हर एक सिंगल रिकॉर्ड सिंगल ब्लॉक में होता है। अगर हम सिंगल ब्लॉक की बात करें तो उस ब्लॉक के अंदर डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब आप बिटकॉइन खरीद बिक्री करते हैं तो ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स होती है यानी लेन देन की जो डिटेल्स होती है वो ब्लॉक के अंदर ही स्टोर होती है। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि उसके बाद नंबर आता है हैश का। हैश जो है वो यूनिक है। जैसे आपका ये जो थंब यूनिक है वैसे ही हैश भी यूनिक होता है। जैसे हम आधार कार्ड के लिए बायोमेट्रिक्स देते हैं तो हमें एक आधार नंबर मिलता है, ठीक उसी तरीके से ब्लॉकचेन के अंदर जो डेटा स्टोर करा रहे होते हैं उसी के हिसाब से एक यूनिक कोड यानी हैश जनरेट होता है। अब तीसरी इन्फॉर्मेशन जो है ब्लॉक के अंदर जो स्टोर होती है वो होती है प्रीवियस ब्लॉक का हैश। पहले वाले ब्लॉक का जो हैश था वो अगले वाले ब्लॉक में सेव हो गया, अब अगले वाले ब्लॉक का हैश फिर उससे भी अगले वाले ब्लॉक में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी एक चैन बन जाती है। जो सबसे पहला ब्लॉक होता है उसे हम जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, उससे प्रीवियस में कोई ब्लॉक नहीं होता है। अगर हम इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। इसका सिक्योरिटी का अंदाजा आपको इसी बात से लग जाएगा, जैसे कोई इंसान, कोई हैकर या फ्रॉड ब्लॉकचेन के अंदर किसी एक ब्लॉक की डेटा चेंज करने की कोशिश करेगा तो फिर क्या होगा, उस ब्लॉक का हैश चेंज हो जाएगा। जैसे ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं तो जो डेटा चेंज करने की कोशिश करेगा उसका हैश चेंज हो गया, तो सारे ब्लॉक्स का जो हैश है वो इनवैलिड हो जाएगा यानी गलत हो जाएगा। एक्चुअल में तो वो सही है बट जिस बंदे ने चेंज करने की कोशिश किया है उसके अकॉर्डिंग सारे ब्लॉक्स का हैश गलत हो जाएगा। अगर वो बंदा वो ये सोचे कि हम सारे ब्लॉक्स का हैश चेंज कर देंगे तो पता है क्या होगा, उसका दिमाग हलवा होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिटकॉइन में एक ब्लॉक का हैश चेंज करने में 10 मिनट लगते हैं। अब आप सोचेंगे 10 मिनट लगते हैं बस, सिर्फ 10 मिनट में आराम से चेंज कर लेगा, बट ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर 1 करोड़ ब्लॉक्स है तो उन सारे 1 करोड़ ब्लॉक्स का हैश चेंज करने बैठेगा तो उसे 200 साल लग जाएंगे, तब तक वो जिंदा भी नहीं रहेगा, क्योंकि ब्लॉक चेन है भाई, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, कोई एक दो ब्लॉक्स नहीं है वो आराम से चेंज करके बैठ जाएगा, 1 करोड़ ब्लॉक्स है तो उसे 200 साल तो आराम से लग जाएगा। इसीलिए ब्लॉक चेन जो है वो ज्यादा सिक्योर है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि क्रिप्टोकरेंसी जो है वो असल में ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम करती है, जिससे हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रहता है जो कि ये क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। अगर हम एकदम सिंपल वे में बोले तो ब्लॉक चेन जो है वो क्रिप्टोकरेंसी का ऑनलाइन बही खाता हुआ। आपको बता दें कि क्रिप्टोकरेंसी का जो सिस्टम है वो पीयर टू पीयर है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके अकाउंट में 75 लाख रुपए भेजे, जैसे अभी ऑनलाइन जो चलते हैं SBI वगैरह में, तो यहाँ पे क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि भाई टेक्निकल मेहताब ने मुझे 75 लाख रुपए भेजे इस डेट को इस अकाउंट नंबर से, ठीक है सारी चीज़ें पता लग गई। लेकिन ये क्या हुआ, ये पीयर टू पीयर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे और आपको पता है लेकिन बीच में बैंक और गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई इसके अकाउंट में 75 लाख रुपए आए हैं। अगर अभी आप किसी को 10 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे ना तो फटाक से उसके पास कॉल आना शुरू हो जाएगा, भाई ये पैसा कैसा है, ये अचानक से आपके अकाउंट में क्यों आए, क्यों? क्योंकि बैंक की उस पर नजर है, सरकार की उस पर नजर है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। जैसे मैं आपको बिटकॉइन के माध्यम से चाहे जितना पैसा दूं वो सिर्फ मुझे और आपको पता रहेगा, बीच में बैंक या गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा कि मैंने आपको कितना पैसा दिया है। तो इसलिए इसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहा जाता है। तो आपको यह समझ आ गया होगा कि क्रिप्टोकरेंसी जो है वो पीयर टू पीयर सिस्टम है जिसमें किसी देश, बैंक या सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इसे शुरुआती दौर में इलीगल कर दिया गया था। लेकिन बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए फिर इसे बाद में कई देशों में लीगल कर दिया गया। आपको बता दें कि बिटकॉइन ही एक क्रिप्टोकरेंसी नहीं है, बिटकॉइन के अलावा कई क्रिप्टोकरेंसीज हैं, जैसे एथेरियम, कार्डानो, रिपल, लाइटकॉइन, मोनेरो, डॉजकॉइन, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ये जो मैंने क्रिप्टोकरेंसीज के नाम बताए ये टॉप में है,
चलिए अब हम क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये डिजिटल करेंसी है और ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, इसलिए इसमें फ्रॉड होने की गुंजाइश बहुत कम है। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि क्रिप्टो करेंसी को बेचना या खरीदना या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसके लिए बहुत सारे डिजिटल वॉलेट भी अवेलेबल है। और इसका तीसरा फायदा ये है किसके लिए किसी बैंक की जरूरत नहीं पड़ती है और इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए काफी सुनहरा अवसर रहता है क्योंकि इसमें ज्यादा उछाल है, यानी इसके प्राइसेस काफी ऊंचे होते चले जाते हैं। अगर आप 2010 में सिर्फ 100 रुपए लगाए होते ना तो आज आप 1.5 करोड़ के मालिक होते। कितना? 1.5 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ हो गया रहता। और इसका फायदा ये भी है कि इसमें ना बैंक और ना सरकार की जरूरत पड़ती है, यानी इन दोनों का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी जो है वो एकदम सिक्योर करेंसी है। चलिए अब हम इसका डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि क्रिप्टोकरेंसी में बहुत ही ज्यादा रेट फ्लक्चुएट करता है, यानी इसका रेट कभी बहुत ऊपर चला जाता है, कभी बहुत नीचे चला आता है और इसके रेट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। और इसका दूसरा जो डिसएडवांटेज है कि ये डिजिटल करेंसी है, इसलिए हैक होने का डर थोड़ा बना रहता है। और इसका तीसरा जो डिसएडवांटेज है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है, खतरनाक इसलिए है क्योंकि इससे ड्रग ट्रैफिकिंग होने की संभावना बना रहता है। तो आपको यह समझ आ गया होगा कि क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। क्रिप्टोकरेंसी से हम कोई सामान खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं या फिर किसी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिटकॉइन खरीद के छोड़ दिए, आज वो करोड़पति हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप काफी अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, क्या आप Q&A चाहते हैं, तो वो भी कमेंट में मेंशन जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।